जहां बीते दिन हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हुई और दोनों ही पार्टियों के सीएम उम्मीदवारों ने अपनी जीत का दावा किया। अब जल्द ही गुजरात चुनाव की बारी है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में दिख रही हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुजरात में कांग्रेस को झटका लग सकता है। पाटीदारों और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और पाटीदारों के बीच बैठक चली, 2-3 दिनों में एक और बैठक के बाद पाटीदार ऐलान कर सकते हैं। इस बीच खबर है कि कांग्रेस ने 3 फार्मूले भी पाटीदारों के सामने रखे हैं। कांग्रेस के प्रपोजल के मुताबिक पाटीदारों के लिए आरक्षण को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जारी 49% से अलग रखा गया है। पाटीदारों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे से आरक्षण को नकार दिया है। आरक्षण को लेकर कानूनी दांवपेच कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट तय की है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। गुजरात में पहले से 49% आरक्षण है, जिसमें 27% आरक्षण ओबीसी कोटे का है। इसलिए कांग्रेस राज्य में 20% का एक और कोटा बनाने की बात कर रही है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों यानी ईबीसी को दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि पाटीदारों को इसी 20% में से आरक्षण देने का वादा भी किया जा रहा है, जो कि हार्दिक पटेल को नामंजूर है, क्योंकि गुजरात की बीजेपी सरकार ने पिछले साल अप्रैल ईबीसी को नौकरियां और एडमिशन में 10% आरक्षण दिया था, जिसे 4 महीने बाद ही गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।